हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो थर्ड पार्टी के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लाइफ में इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और उन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है, ये देखेंगे हम। थोड़ा डिटेल में जाएंगे और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइन के लिए होती है रीडिंग और टाइमलेस होती है। कभी भी आप देखेंगे, आप रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं खुद की सिचुएशन। अब मैं ना रीडिंग में काफ़ी सारे सीनियरों बताती हूँ गाइस, जैसे कि अगर कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई सिंगल है, तो आप अपने हिसाब से ना सिचुएशन को देख लेना कि आप कौन से सिचुएशन में बैठे हो और आपके साथ क्या हो रहा है, उस हिसाब से रीडिंग को आप रेजोनेट कर सकते हैं या फिर रीडिंग के साथ आप जा सकते हैं। कॉल करते हैं हमारे पहले आर्कैंजल माइकल को। जी आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो इनके पर्सन के बीच और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज गाइड मी आर्कैंजल माइकल। जी कोई स्पेल वर्क किया थर्ड पार्टी ने खाने पीने में, या तो खाने के जरिए इसने आपके पर्सन को कुछ दिया है, कुछ तो ऐसा किया है थर्ड पार्टी ने ताकि आपके पर्सन उसके लाइफ में चले और आपके पर्सन उसके प्यार में डूबी भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे किसी वाटर थ्रू ड्रिंक थ्रू आपके पर्सन को कुछ खिलाया है थर्ड पार्टी ने। क्रो इंडिकेट्स अ ब्लैक एनर्जी, ऐसा कुछ खिलाया है थर्ड पार्टी ने किसी महिला के सहारे, किसी लेडी के सहारे, और आपके पर्सन ने वही पानी पिया है। भी देख रहे हैं आपके पर्सन ने वही पानी पिया है। इस वक्त बहुत बर्डन फील कर रही है क्योंकि ब्लैक मैजिक का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। टाइम कुछ टाइम के लिए जाता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, प्रॉब्लम बट उसको कुछ पे भी करना पड़ता है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने और इस इफेक्ट में आपके पर्सन के साथ शादी भी की है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि भाई कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहा है। और ये लगातार चल रहा है। अगर आप ये जानने की कोशिश करिए कि थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना पड़ेगा। ये रीडिंग पहला ही कार्ड आ गया जो, हाँ जी पहले बहुत अच्छा गया है इनका लाइफ। अगर अच्छा जा रहा था, अगर आपके साथी पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी लाई है बीच में, तो थर्ड पार्टी ने कुछ खिला खिला के आपके पर्सन को आपसे दूर किया है। इस पर्सन ने सारा बोझ आपके ऊपर डाल दिया था। अगर आप मैरिड हो और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, एक बैड लाइफ साइकिल था, बहुत कोई बुरा कर्मा था थर्ड पार्टी से आपके पर्सन के साथ, जो साइकिल जब तक चलेगा तब तक ये सिनेरो रहेगा। मुझे लगता है साइकिल एंड हो चुका है क्योंकि एंड की एनर्जी आ गई है। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, ये थोड़ा डिस्टेंस वहाँ पे उन दोनों के रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है। लॉन्ग टर्म उनके रिलेशनशिप में चल रही बातें, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी आ गई है, बैलेंस करने की कोशिश हो रही थर्ड पार्टी की ओर से। पूरी डिटेल रीडिंग यहाँ पे मिल गई मुझे। अब मुझे ज्यादातर ये लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन के सामने आई है। थर्ड पार्टी की ओर से अभी भी कोशिश हो रही है आपके पर्सन, जो एंड सिचुएशन की एंड हो चुकी थी क्योंकि बहुत बर्डन हो चुका था, और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसे सिर्फ अपने प्यार से तो नहीं आपके पर्सन को ही किया, आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक, कुछ तो स्पेल करवाया है, कुछ तो उनके खिलाने में पिलाने में किया है। और हरदम थर्ड पार्टी की ओर से ये बातें अभी भी की जा रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे, तो आप देख सकते हैं भाई कि
ये यहाँ पे भी, यहाँ पे इनके खाने की चीज़ों में भी, इनके पीने की चीज़ों में भी, ये अगर आपके पर्सन मांस वगैरह खाते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा ही कुछ खाने पीने में, ऐसा ही खाने में पीने में ऐसे थर्ड पार्टी की ओर से गया है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो लगातार इसी इफेक्ट में आपके पर्सन अभी भी है। आपके साथ मैरिड और थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, तो उन लोगों के लिए वैसे भी चीज़ें बहुत हेवी आजकल हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने पूरा शादी का बर्डन आपके ऊपर डाल दिया है। लगातार आप अर्निंग करते हो और आपके फैमिली को बैलेंस करने की आपके एनर्जी है। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का यूज सिर्फ पेंटेकल एक स्टेबिलिटी के बहाने कर रही है। भले आपके पर्सन को ये प्यार करने की बातें बताती है, बट थर्ड पार्टी का असली मकसद जो है सिर्फ एक पेंटेकल स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, मनी के लिए है। सिर्फ काम करो, पैसा पैसा कमाओ, ऐसा थर्ड पार्टी की ओर से जाता है। भले थर्ड पार्टी खुद कुछ काम नहीं करती, बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सारा बोझ उठवा रही है। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे कहने में थोड़ा बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ साथ थर्ड पार्टी का भी बोझ उठा रहे। इस वक्त उन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो टॉक्सिक हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। एक डेविल की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, कि डेविल एंड डेथ की एनर्जी एंड विच की एनर्जी। तो ये दिस इज़ ए कम्प्लीट 101% ब्लैक मैजिक स्पेल। अगर आपके पर्सन आपके साथ रह रहे हैं और अभी भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेशनशिप में है, मीन्स आपके पर्सन आपके सामने नहीं बोलते हैं, बट जब भी टाइम मिलता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अप्रोच करते हैं, तो दिस इज़ ए वेरी 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 नेगेटिव थिंग फॉर यू। कि ऐसा है तो आपके पर्सन उस इफेक्ट में अभी भी है, बट सिचुएशन बहुत ही डरावनी होने वाली है आगे चलकर। तो अगर आप आपके पर्सन थोड़ी बहुत आपकी बात सुनते हैं, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आपके पर्सन को थोड़ा अलर्ट कीजिए। डेफिनेटली ये आपके पर्सन के ऊपर ये स्पेल बहुत ही गहरे तरीके से किया जा रहा है। एंडिंग की सिचुएशन डेफिनेटली दोनों में आ रही है, जैसे कि किसी का स्पेल इफेक्ट कम हो गया है, किसी का ऐसा या फिर कम होने वाला है, या फिर कम होने जा रहा है, चीज़ें एंड हो रही है, सिचुएशन में जर्नलिंग हो रही, क्योंकि उन दोनों का जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है। दोनों का कोई कार्मिक साइकिल था, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी टूवर्ड्स यू, कुछ कुछ आपकी भी एनर्जी यहाँ पे बीच में आ गई है। मुझे लगता है आप एफर्ट ले रहे हो अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ आप चीज़ें कर रहे हो। आपको अगर स्पेल वगैरह कुछ पता नहीं, तो सिंपली आप डिवाइन से कनेक्टेड होकर अपनी बातों को बैलेंस करने की एनर्जी कर रहे हो। सिचुएशन आपने जैसे डिवाइन के ऊपर छोड़ दी है, बट आपके पर्सन के ऊपर ये जो शैतान की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, इसी से बहुत ज़्यादा हेवी है। ये एंड हो सकता है, या फिर ये पर्सन सिचुएशन आपके साथ एंड कर सकते हो, थर्ड पार्टी को बैलेंस करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कम्प्लीटली कंट्रोल में है, कम्प्लीटली। यहाँ पे एनर्जी वैसी आई है मुझे, ये सिचुएशन का एंड हो रहा है, या फिर आजकल उन दोनों में जम नहीं रहे, उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वही आपके पर्सन को सिर्फ पेंटेकल के लिए है, बैलेंस कर रहे थर्ड पार्टी, इतना ही कुछ है बस, और कुछ नहीं। बीच की एनर्जी क्यों है, थर्ड पार्टी की कोशिश हो रही कि आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप बनाए। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में टॉक्सिक सोलमेट है ये, और ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता काफ़ी पुराना है, और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को मैरिज कमिटमेंट दी है, और आपके पर्सन वो कमिटमेंट फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए थर्ड पार्टी अपनी कोशिशें जारी रख रही है। जी मैंने बोला ना, बहाना प्यार का है, बट असल तो भाई स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। टेन ऑफ फैंस की एनर्जी की है एंजल जी, रिकन्सिलेशन जी, यूनियन, प्यार का पूरा बोझ, प्यार प्यार करके यूनियन कर लिया है, और पूरे बोझ चले आपके पर्सन देवे जा रहे हैं। ये प्यार आपके पर्सन को बहुत महंगा, वही कार्ड बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि एट ऑफ पेंटेकल, एट ऑफ पेंटेकल। पूरी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर डाली है, और आपके पर्सन जिम्मेदारी कंप्लीट करने के लिए फाइनेंस स्टेबिलिटी के ऊपर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाय प्रिस्टेस, वही तो बोलूँ, ये तो आना ही आना है भाई। यहाँ पे मैजिशियन, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, कंटिन्यू किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर, कंटिन्यू कंप्लीटली इनको कंट्रोल में करने के। देखिए, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग में नहीं है,
डिस्टेंस से चीज़ें चल रही है जी, वही तो मैं बोल रही, डिस्टेंस डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू है, डिस्टेंस से चीज़ें चल रही है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो वो खिलाने पिलाने की भी जरूरत नहीं होती है, आपके पसंद ने आपके पसंद की कोई ना कोई, गॉड क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही मैं बोलूँ, देखिए मैजिशियन दो तीन बार, डिस्टेंस से आपके पर्सन से एनर्जी जा रही है, आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा है, अगर आपके पर्सन कंफ्यूज से आपने थर्ड पार्टी को लेकर, तो थर्ड पार्टी के ओर से स्ट्रांगली स्पेल हो रहे हैं, वो भी डिस्टेंस से हो रहे, क्योंकि डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन उसके साथ नहीं रहे, आपके साथ उसके साथ खाए पिए जरूरी नहीं, जब आपके पर्सन लिविंग रिलेशनशिप में थे तब भी से ये चीज़ें चल रही हैं, और अगर आपके पर्सन आपके साथ रह रहे थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर है तो वो चीज़ें डिस्टेंस से चल रही हैं आपके पर्सन के ऊपर। पहले बड़े अकड़ में रही होंगी थर्ड पार्टी, अब आपके पर्सन से थर्ड पार्टी बड़े प्यार से पेश आती है, आपके पर्सन उसके सामने घुटने टेक कर जाए, ये चीज़ें हो रही है, डेविल के एनर्जी है, बट यहाँ पे आपके लिए भी गुड मैसेज है, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंजल आपको ताकत दे रहे हैं, एंजल आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, डेविल भी अपना काम कर रहा है बट यहाँ पे एंजल भी आ चुकी है, तो एंजल भी अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे यही बातें थी, बैलेंस का एनर्जी अगेन एंजेलिक एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, एंड वहाँ पे हो चुका है, बहुत खतरनाक तरीके से एंड हो चुका है, मुझे लगता है आप भी अपने मैरिज रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आप भी अपने मैरिज रिलेशनशिप करने के लिए किसी से हीलिंग स्पेल ले रहे हैं, रिलेशनशिप बचाने के लिए आपका हीलिंग वर्कआउट हो रहा है, उन दोनों का रिलेशनशिप जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी जा रहा था, भले ही जाए बट थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ रही है, एंजल यहाँ पे भी देखो इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे अवेकनिंग का साइन है, यहाँ पे सूरज का साइन है, तो आपको कंप्लीटली ब्लेस किया जा रहा है, आप वो थर्ड पार्टी की अंदर का जो डेविल है, या तो आपके पर्सन उसको भाप रहे हैं, या तो आपके पर्सन के सामने वो डार्क डरावनी सच्चाई आ रही है, इनके सबकॉन्शियस माइंड को तो समझ में आ रहा है कि इनके साथ क्या हुआ था, और जब आपके पर्सन को ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें कम्प्लीटली अवेकन हो जाएंगी आपके पर्सन के सामने, फिर आपके पर्सन उसके साथ एंड करके ही आपके साथ अपोलॉजी करेंगे, थर्ड पार्टी की ओर से भी कोशिश होती है कि जैसे आपके पर्सन को उसकी सारी सच्चाई समझने वाली है, तुरंत थर्ड पार्टी अपना गेम खेलती है, आपके पर्सन के सामने प्लीजिंग बनती है, मासूम बनती है, मैच्योर बनती है, और आपके पर्सन को फिर से इसका ऐसे मछली कैसी फंसी, ऐसे आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाती है जी। आपके पर्सन जगलिंग की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पर्सन थर्ड पार्टी की चीज़ें समझ गए थे, बट यहाँ पे डेथ के साथ ये ऑफर आ रही मुझे, अगर ये पर्सन आपके साथ ऐसा आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, क्योंकि मछली फिर से जाल में फंस सकती है आपकी, थर्ड पार्टी अगर ये कर रहे तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे भी करके रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, इसीलिए थर्ड पार्टी अपने मैच्योर हरकतों से वापस आपके पर्सन को पाने की कोशिश कर रही है, इस रिलेशनशिप में हैंग सिचुएशन चल रही, बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपसे कई गुना माहिर है, आपके पर्सन को वापस, ये देखिए कपी आ रहा है मुझे, कुछ ना कुछ ऑफर करने वाली है जिससे आपके पर्सन फिर से फंस गए या फिर फंसने वाले, आप बहुत कोशिश करते हैं आपके पर्सन के सामने सच्चाई आ जाए, आप सा हो भी जाते हैं, बट थर्ड पार्टी सिर्फ मैजिक से नहीं खेलती, थर्ड पार्टी है ना अपनी कुछ हरकतें हैं, उनको भी कंप्लीट यूज़ करती है जी, टेम्परेंस टेम्परेंस जजमेंट, इतना ही बोलूँगी भाई, हर ब्लैक मैजिक के ऊपर डिवाइन की पावर होती है, डिवाइन की एनर्जी होती है, अगेन यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग आपके लिए, और कड़ा क्या बोलते हैं टावर, थर्ड पार्टी के यहाँ पे टावर की एनर्जी आई नहीं है, बट इतना डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ थर्ड पार्टी को अपने सारे किए का कर्म बहुत जल्द मिलने वाला है, और आपकी लाइफ संभलने वाली है, या तो लाइफ आपकी धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बहुत झगड़े चल रहे हैं, वो अभी भी कर रही है अपनी कोशिश जी, मैंने ये देखा भी नहीं था, बट मैंने बोला था टावर मोमेंट, ये देख कर बोला था, बट टावर मोमेंट था,
ओवरऑल इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी एडी चोटी का जोर लगा दी। कितना भी ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे, मैं मेरे दर्शकों के लिए इतना बोलूंगी, अगर आप डिवाइन का सपोर्ट लेके कोई बातें कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस सपोर्ट के साथ आगे जाइए। भले ही आज आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन आपके लिए काम नहीं कर रहे। कुछ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई पास्ट लाइफ कर्मा है और डिवाइन भी शायद उस साइकिल का एंड करने का वेट कर रहे हैं। जिससे ये साइकिल एंड होता है, आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। जिस सिचुएशन को हैंग करके रख गए थे, स्टक करके गए थे, ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ जाएंगे। तो आपको इतना हौसला बनाए रखना है डिवाइन के ऊपर। अगर आप कोई हीलिंग स्पेल कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए ईश्वर यहाँ पे बोल रहे, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे कि उसने जो किया है उसका सोच समय सब कर्मा में उसको देने वाला हूँ। जितना जितना आपके पर्सन को पाने के लिए ब्लैक मैजिक तंत्र का सहारा लेके थर्ड पार्टी कर रही, उतना उतना वो खुद कितने कीचड़ में फंस रही उसको अंदाजा नहीं है। जब तक उसको समझ में आ जाएगा तब तक उसके लिए बहुत देर होगी, बट हमें उसके लिए कुछ सोचने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बोल रही हूँ, आपको एक दिलासा मैं दे रही हूँ कि आपको डरना नहीं है, आपको अपना पाथ छोड़ना नहीं है। जिस अच्छे पाथ पे आप जा रहे हो उस अच्छे पाथ को आपको छोड़ना नहीं है, यूनिवर्स के टूवर्ड्स आपको जाते रहना है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स का, ये डिवाइन का, परमेश्वर का, आपकी जो कोई भी भगवान है, इनकी पूरी निगाह आपके ऊपर है। ये आपको अभी भी ब्लेस कर रहे हैं, आप अभी भी इतनी सिचुएशन में स्टेबल हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, रिलेशनशिप को स्टेबल कर रहे हो, तो ये कभी ना कहीं हमारे परमेश्वर की ही दया हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से हम इतने अपोजिट इतने डार्क सिचुएशन में भी हम स्टेबल है। तो हमें इसके उनके लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें ऐसे छोड़ा नहीं है परमेश्वर ने। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनमें और उनके थर्ड पार्टी जो है उनके बीच आगे, जो दर्शक वीडियो देख रहे उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी स्टॉक कर रही है, थर्ड पार्टी ऑफर करेगी आपके पर्सन को वापिस, जैसे मैंने आपको बोला है, कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बातों में आने वाले हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ही चूज करेंगे, उनके साथ जाएंगे आपके पर्सन। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तब भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से वही फैमिलियर बनने की कोशिश करेगी। उन दोनों के रिलेशनशिप में आगे एक स्टार्ट मुझे होती हुई दिख रही है फ्यूचर में। कुछ टाइम अच्छा जाएगा थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, कुछ टाइम अच्छा जाएगा। आप बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन का, बट मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी बात समझेंगे नहीं, ये वापस लटकने वाले हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। मैं तो बोलूँगी भाई आपके समझाने से नहीं जाते, एक दो बार इनको समझा के देखो, नहीं जाते तो छोड़ दो इनकी इनके हाल पर, क्योंकि ये पर्सन सुनने वाला है नहीं, इसको वापस वही पेन होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जाएगा वही सेपरेशन मोड रहेगा, वही अटैचमेंट रहेगा, वही ब्रेन दिमाग का खेल रहेगा। एक दिशो होने वाले वापिस इस रिलेशनशिप में सेपरेशन मोड आने वाला है फ्यूचर में। उस टाइम के लिए थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता अच्छा जाएगा, आपको मायूस होना नहीं है, पहले से बोल देती हूँ। पे भी करेंगे इसका, मैं बोलूँगी भाई आप वहाँ से एनर्जी हटाकर अपने ऊपर ही डाल दो, क्योंकि आपके समझाने से पर्सन मानता नहीं। देखिए इसके आपके पर्सन की भी यहाँ पे गलती ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के कंप्लीट कंट्रोल में इफेक्ट में आपके पर्सन है। एज ए पार्टनर कर समझ कर आप इनको कुछ समझा सकते हैं, बट अगर ये नहीं मानते हैं तो अब ये क्या, आप भी क्या कर सकते हैं इसमें।
अच्छा जी, ये आइसोलेशन मोड चढ़ने वाला है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिटैच करेंगे, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सोशल मीडिया थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर सोशल मीडिया थ्रू आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी की निगाह है। आपके पर्सन टूवर्ड्स जो आते हुए दिख रहे हैं, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन उसके ऑफर इसलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनकी वहाँ पर मैरिड है, वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे इनकी ज़रूरत है, ऐसा इनको लगेगा। बच्चे हैं शायद, इसलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऑफर सुनते हुए दिख रहे हैं। बैड एक्शन में डेविल आ चुका है भाई। स्पेल तो जहाँ पे थर्ड पार्टी में निकालो वहाँ पे स्पेल होगा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके पर्सन बहाने से भी मिलने के लिए अगर जाते हैं, जैसे कि उसने बोला ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है, उसने कुछ बोला प्यार भरी बातें कर कर आपके पर्सन को बोला कि वो आपसे मिलना चाहती, उसका मकसद है कि आपके पर्सन के साथ कैसे भी करके शादी करना, और आपकी अगर शादी है तो उसको तोड़ना, और वापिस आपके पर्सन के ऊपर डार्क मैजिक स्पेल का अटैक हो सकता है। उसके एक्शन में ही खराबी है। सिक्स ऑफ वैंड्स का एनर्जी टू एंजल। जी, उसको बनानी है लाइफ विक्टोरियस, तो भाई वहां पे इनकी शुरुआत होती, क्योंकि ये स्पेल इफेक्ट हो जाएगा आपके पर्सन के ऊपर, ये लगातार चल रहा है, लॉन्ग टर्म से चल रहा है, और यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी उस रिलेशनशिप में, आगे जाएंगे, क्योंकि इस बार थर्ड पार्टी बड़े दिमाग से खेलने वाली है, उसके एम्बिशियस है कि आपके पर्सन को आपसे छीन कर उनके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, लगता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बच्चों की, जिनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, बट वहाँ पे झगड़े होंगे। झगड़े तो होने हैं भाई, डिवाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा थोड़े ना होता है सब डेविल ही खा जाएगा। डिवाइन डेविल को नाचने देते हैं, जब डेविल उठते हैं, डेविल को उठाने के लिए डिवाइन उठते हैं ना, तब देखना। बैलेंस करते करते भाई थर्ड पार्टी के पसीने छूटने वाले हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप को शुरू से शुरू करने के, बैलेंस करने के थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश भी रुक नहीं रही है, वो कोशिश करते रहेंगे। हरमेट मोड क्यों है? बैड, मैं बोल रही ना, जहाँ पे डिवाइन ने एक कदम उठा, चीटिंग, चीटिंग तो सामने आने वाली है, आपके पर्सन के सामने चीटिंग आने वाली है, और वापिस आपके पर्सन हरमेट मोड में जाने वाले हैं। धोखाधड़ी है इस रिलेशनशिप में, बहुत धोखाधड़ी। हर्बिट, आपके पर्सन फिर अकेले पड़ते हैं, स्टक करते हैं रिलेशनशिप में, फिर कोशिश करती है, पता नहीं भी किस मिट्टी की बनी है थर्ड पार्टी, इक्वल गिव एंड टेक। और आपके पर्सन के साथ उसका ऐसा रिलेशनशिप है, आपके पर्सन से थर्ड पार्टी के साथ भी बच्चे, और कोई गुड न्यूज मुझे दिख रही गाइस, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कोई गुड न्यूज लग रही है, प्रेगनेंसी वाली न्यूज। और आपके पर्सन फिर उनके होने वाले बच्चे को लेकर थर्ड पार्टी के बारे में सीरियस हो जाएंगे, भले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ है, बट वहां पे बैलेंस करने के, प्रोटेक्ट करने की एनर्जी आ रही है। पता नहीं मुझे मैसेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर यहाँ पे जो बात आई है ना गाइस, जैसे कि अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो भाई फिर लगता है मुझे कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रिलेशनशिप रखे हुए हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके रहे, आपके साथ रहे, थर्ड पार्टी के साथ इनके झगड़े होते रहेंगे। दूसरी बात मुझे मैसेज क्या आ रहा है कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप से काफ़ी टाइम रहा हो, तो थर्ड पार्टी ऐसी कोई न्यूज़ आपके पर्सन को दे सकते कि जैसे वो प्रेग्नेंट है इसको, और आपके पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है, इसके लिए हो सकता है इन दोनों में झगड़े चले। यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आ रही, सेवन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आ रही, तो इतना जरूर चेक कर ले आपके पर्सन के अलावा थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है, प्रेगनेंसी कहाँ से आ रही है,
क्योंकि एक चीटिंग की एनर्जी आपके पर्सन के साथ हो रही है, जिससे आपके पर्सन को शायद मेंटली दबाव ला जाएगा कि अब इनको उनको भी बैलेंस करना है। अगर आपके पर्सन वापस इस भंवर में फंसते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है और लग सकता है कि आपके पर्सन को शायद आपके साथ रिलेशनशिप का एंड हो चुका। बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे कोई रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कोई तो बदमाशी पकड़ने वाले हैं, जिसके बाद आपके पर्सन तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि इनको इस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं है। थर्ड पार्टी वापस आपके पर्सन को इस कम्युनिकेशन करेंगे कि उसको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, उसको भी कुछ आपके पर्सन से इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। ऐसी कुछ कोशिश आपके पर्सन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर सकती है। थर्ड पार्टी की ओर से डिमांड बार बार जाएगी कि आपके पर्सन को उसको भी संभालना चाहिए, उसका भी जो लाइफ है उसको बैलेंस करना चाहिए। बट मुझे लगता है अंत में आपके पर्सन ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं जिससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर उस रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे, और थर्ड पार्टी को ऐसा लग सकता है कि अब आपके पर्सन ने उनको छोड़ दिया है। मून की एनर्जी, बिना कहीं आपके पर्सन ऐसी कोई एक्शन लेंगे जिससे थर्ड पार्टी को लग सकता है कि उसने इस रिलेशनशिप को लॉस कर दिया है। बहुत टाइम से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल कंट्रोल करना, इनके दिमाग के साथ खेलना, इनके इमोशंस के साथ खेलना, इनसे चीटिंग करना, ये काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर रही है। और जब तक आपको स्पेल का सहारा नहीं ले रहे, आप डिवाइन का सहारा नहीं ले रहे थे, तब तक थर्ड पार्टी की बातें चल रही थी। बट जहाँ से आपने अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइन एक्टिविटी आपने शुरू कर दी है, तो देखिए दिल दिल से क्या बोलते हैं ना, वो बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर ये बातें आना कि थर्ड पार्टी कुछ गलत कर रही, थर्ड पार्टी का कुछ थोड़ा थोड़ा चेहरा आपके पर्सन के सामने आना और आपके पर्सन उसके ऊपर डटे रहते थोड़ा थोड़ा टाइम ही सही, तो ये आपकी कहीं ना कहीं जीत है। भले आपकी जीत आपको बड़े पैमाने पर नहीं दिख रही, बट डिवाइन अपना सब कुछ काम आपकी फेवर में कर रहे हैं। जिस दिन डिवाइन का पूरा काम आपके सामने आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन आपके सपोर्ट में, तब तक आपको डिवाइन के ऊपर अपना भरोसा रखना है, तब तक डिवाइन के सहारे आपको इस अपनी लाइफ की जर्नी को आगे लेके जाना है। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए देख लेते हैं। सक्सेस आपको मिलने वाली है, एंजल बोल रहे हैं आपको बस पॉजिटिव रहना है। कार्ड है यस, आपके फेवर में सारे डिसीजन आ रहे हैं गाइस। भाई आपके पर्सन तो रोमांस भी करने वाले हैं आपसे, मैंने बोला ना हरिए मत, इतना ही मैसेज मैं आपको दूंगी। डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इतने स्पेल होने के बाद आपके पर्सन को, मैं बोलती हूँ 10 मिनट के लिए भी आपके पर्सन ये बात समझ रहे कि वो कुछ गड़बड़ कर रही, कुछ गलत कर रही है, वो भी आपकी जीत है। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स अप टू यू। बस मैं इतना ही, अपनी फैमिली है तो इतना जी तोड़ कर मैं आपको बोलूँगी, आप भरोसा बनाए रखें। सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और एंजल की हेल्प लीजिए। रिकवरी आपकी रिलेशनशिप में होने वाली है, हर कार्ड में एंजल भी आपको चिक चिक कर बोल रहे हैं, हाँ पेशेंस संयम बर्दाश्त के हद लेवल में सब कुछ जानती हूँ, बट इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इस रिलेशनशिप को छोड़कर, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में इसको छोड़कर आप नए वाले के पास जाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि नए वाला कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिनेरियो चल नहीं रहा है। जिस रिलेशनशिप को हम इतने सालों से निभा रहे, उसमें अगर आपको ये दिक्कत आती है, जो पर्सन एक टाइम जिसकी दुनिया आप थे, जिसके लिए सब कुछ आप थे, ऐसा होने के बाद अगर ये पर्सन इस तरीके से चेंज होता है, तो आप देख सकते हैं ऐसा पर्सन चेंज हो सकता है, तो नए वाले की आप क्या गारंटी लेंगे। तो इस जहां में सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा भरोसा आपका कौन कर सकता है, खुदा। तो अपना ध्यान अपने ऊपर डालिए ना, आपके पर्सन आपको लाइफ में चाहिए, इसके लिए आप डिवाइन से प्रे करिए, करते रहिए, डिवाइन का सहारा लेते रहिए, और उसके बाद क्या काम करना है आपको, ध्यान अपने ऊपर डालना है, अपने बच्चों के ऊपर डालना है, आपके फैमिली इसके ऊपर आपको सब काम करना है। देखिए ये लाइफ है, 99.9% में बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से पूरा जहाँ पीड़ित है। कोरोना वायरस से भी स्ट्रांग है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है।
इस वायरस को हम इसी यही करके डिफ्यूज कर सकते हैं कि अपने अपने को स्ट्रांग कर, भरोसा कर और अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने की ताकत खुद में लाकर हम इस वायरस को डिफ्यूज कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।